हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं दलेर सिंह। आई होप सारे बढ़िया होंगे। और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्या होता है कि किसी वीडियो को जब लाइक मिलते हैं और उस पर कमेंट वगैरह आते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं हम इस चीज़ को लेके। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बड़ी ही अच्छी वीडियो है आज के लिए, क्योंकि नॉर्मल अब गर्मियों का टाइम है, लोग एसी के लिए, कूलर के लिए या किसी और प्रोडक्ट्स के लिए, अब जैसे फ्रिज है, उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाते हैं शॉप्स वगैरह पे। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइम में जो अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइप में आपके लिए कूलर कैसा रहेगा। नॉर्मल लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि कूलर क्या बंद कमरे में चल सकता है, तो आज इसी के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। आपके लिए कि ये छोटी सी वीडियो है, बड़ी ही यूजेबल वीडियो रहेगी, क्योंकि नॉर्मल कस्टमर को नहीं पता होता कि हम कूलर ले रहे हैं वो सही चलेगा, कूलिंग कैसे करता है, एक बंद कमरे में वो चलेगा या नहीं चलेगा। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े सारे लोग गर्मियों के टाइम अब कूलर ख़रीदने के लिए शॉप्स वगैरह पे जाएंगे, बड़े सारे कूलर वो ख़रीदेंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये का कूलर आपको ख़रीदने के लिए मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कूलर ख़रीद रहे हो, आप उसको लगा कहाँ पे रहे हो। अगर आपके पास एक बंद कमरा है या आपके पास एक ओपन कैमरा है वेंटिलेशन के लिए, तो दोनों में उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। बंद कमरे के लिए आप कूलर मत खरीदिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, अगर आप एक बंद कमरे के लिए कूलर ख़रीद रहे हैं तो आप मत खरीदिए, क्योंकि कूलर को कूलिंग करने के लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। वेंटिलेशन का मतलब है कि कूलर को हवा क्रॉसिंग के लिए जगह चाहिए। वातावरण बंद है तो आपको कूलर लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ कूलर एक बंद कमरे के लिए नहीं बना हुआ। कूलर वेंटिलेशन के साथ ही कूलिंग कर पाएगा। कहने का मतलब, आपको एक साइड उसको दरवाजे में या खिड़की में लगाएंगे तो दूसरी तरफ उसकी हवा निकलने के लिए जगह चाहिए, क्रॉसिंग की जगह, तो तभी वो कूलिंग कर पाएगा। कूलर कभी भी बंद कमरे में हवा नहीं करेगा। अगर आपके पास एक वेंटिलेशन वाला रूम है, वेंटिलेशन वाली जगह है, तो हाँ, आप 100% कूलर लीजिए। आपके लिए कूलर बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज़ इस टाइम में इन्वायरमेंट के देखते हुए एक कूलर ताज़ी हवा फेंकता है, कूलिंग करता है और हम लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि एक बंद कमरे के लिए कूलर नहीं लेना चाहिए। वेंटिलेशन अगर है कमरे में या आपके बरामदे में तो आप कूलर खरीद सकते हैं। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके, जानकारी आप तक देता रहूं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी है किसी प्रोडक्ट्स को लेकर, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में।